हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार ये कैमरा लग क्यों नहीं रहा सही? या नाउ इट्स डन। सो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्लिपकार्ट के टॉप हॉल पर होने वाला है, और जो मैंने वेयर कर रखा है वो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई थिंक लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। सो माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस लाइट पिंक टॉप। प्राइस इज अराउंड 101। यस 101 में मैंने स्टॉप को लिया है। ब्रांड इज़ टोक्यो टॉकीज और मैंने इसे लास्ट साइज़ में लिया है, क्योंकि वहाँ पर मेंशन था कि एक साइज़ अप कर लो, लेकिन एक साइज़ अप था नहीं, दो साइज़ अप था, मीडियम साइज़ मुझे नहीं मिला। सो द फैब्रिक इज़ रिप्ड, बट ये स्ट्रेचेबल नहीं है। रिप्ड फैब्रिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेच नहीं मिलेगा, बट लाइट सा स्ट्रेच मिल जाएगा। बाकी पूरा प्लेन है, हल्की सी इस तरह की लाइंस दिख जाएंगी आपको पूरे इस पर, एंड स्टेप्स दिख जाएंगी आपको। उसी के साथ एक नेक दिया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट में। ये बहुत क्यूट वाला पिंक है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये वाला पिंक कलर, दैट्स व्हाई आई परचेज्ड। बाकी आप नॉर्मली इसको लाइक जैकेट वगैरह के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, या जीन्स के साथ, शॉर्ट्स वगैरह के साथ भी। इसमें भी आपको कई सारे वहाँ पर कलर्स मिल जाएंगे, और इसी प्राइस में है सारे कलर्स अवेलेबल। एंड मैंने इसे ब्लैक कलर के ट्रैक पैंट के साथ पैरअप किया हुआ है। बाकी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, व्हाइट कलर के साथ भी पैरअप कर सकते हो, ब्लैक कलर के साथ भी पैरअप कर सकते हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एज आई टोल्ड यू कि टोक्यो टॉकीज का है, तो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी मिल जाएगी, और वैसे भी 101 में मिला है, तो आई थिंक आप इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स रियली रियली वर्थ इट, और बहुत प्यारा कलर है। समर्स में इस तरीके के टॉप्स काफ़ी अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, जैसा मैंने बोला कि आप शर्ट के साथ भी पहन सकते हो, जैकेट के साथ भी पहन सकते हो, बाकी समर्स में आप नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह के साथ पैरअप कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस टोक्यो टॉकीज टॉप। प्राइस अराउंड 300, और मैंने इसे लिया है स्मॉल साइज़ में। मैंने सारे टॉप्स टोक्यो टॉकीज ब्रांड के लिए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बैक से आपको पूरा प्लेन मिलेगा, फ्रंट पर आपको इस तरीके का नेक मिल जाएगा और क्रिस क्रॉस मिल जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि वेयर करने में आपको समझ नहीं आएगा। सो या मैंने इसे पहन लिया है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी फिटिंग, एंड मुझे क्रॉप टॉप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आपको इस तरीके का वी नेक मिल जाएगा, एंड साइड में जैसे मैंने बताया था आपको क्रिस क्रॉस करके साइड में वैसे मिलेगा, और वैसे क्रॉप टॉप आएगा। बाकी फुल स्लीव्स मिलेंगी, एंड बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कलर्स मैंने बता दिया आपको, कई सारे कलर्स मिल जाएंगे इसमें आपको, एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, स्ट्रेच सच में बहुत अच्छा है। तो आपका एग्जैक्ट जो साइज़ है वही पिक करना, आपको परफेक्ट आएगा। एंड इसकी फिटिंग सच में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बाकी कलर भी बहुत डिसेंट लग रहा है। बैक से एज आई टोल्ड यू कि पूरा प्लेन मिलेगा। क्रॉप टॉप अगर पहनते हो आप, तो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली नाइस, क्योंकि काफ़ी इन्हांस कर रहा है। मैंने इसे ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ पहना हुआ है, जिसके साथ पैरअप करके ये काफ़ी ज़्यादा यू नो डिसेंट लुक दे रहा है। एंड नेक इसका बहुत ज़्यादा यू नो यूनिक सा है, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट आई गॉट सम ब्रा फ्रॉम शायवे। यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड YT100 टू गेट 100 रुपीज़ ऑफ। शायवे गिव्स यू सो मैनी ऑफर्स, लाइक बाई 2 ब्रास गेट 3 ब्रास फ्री, बाई 2 ब्रास फॉर 1299, बाई 3 ब्रास फॉर 999, बाई इजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी है। सो फर्स्ट आई हैव दिस ब्राउन ब्रा, दिस इज़ रियली नाइस, एंड काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। इसमें जो ऊपर जो फैब्रिक अप्लाई कर रखा है शाइन वाला, वो साटिन जैसा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके की ब्रा ज़्यादातर नहीं मिलती है। एंड जो अंदर पैडेड अप्लाई कर रखा है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, अंदर पूरा अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। बाकी नीचे यहाँ पर वायर्ड ब्रा है एक्चुअली ये, तो यहाँ पर वायर डाला हुआ है। एंड जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक ऐसा एकदम टी शर्ट वाला फैब्रिक होता है ना, और जो बिल्कुल भी पुराना नहीं होता, जैसे जिम वाली टी शर्ट होती है कुछ उस तरीके का, जो आप कितनी भी बार वॉश कर लो ये बिल्कुल भी पुराना नहीं होता। एंड अंदर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है, स्टिचिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, तो बिल्कुल भी काटने या चुभने वाली नहीं है, तो इनका कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एंड स्टाइलिश तो ये दिख ही रही है। सो यार नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्लैक प्रिटी ब्रा, पूरे पर लेस का काम हो रखा है एज़ यू कैन सी, एंड अंदर इसमें क्रीम कलर के पैड्स अप्लाई कर रखे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी एक्चुअली, पूरे पर लेस का काम हो रखा है। यहाँ पर 3 आपको साइड में हुक्स मिल जाएंगे, बाकी नेट है वो बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। मिड में ऐसे कुछ डाल के थोड़ी सी बहुत क्यूट सी लगती है, बाकी बहुत सेक्सी ब्रा है ये एक्चुअली।
एंड साइड में आप देख सकते हो कितना प्यारा नेट अप्लाई कर रखा है। बाकी लाइक नीचे देखोगे तो आप पूरे पर नेट दिखेगा, बैक से आपको देखोगे तो ब्लैक कलर के पैड्स दिखेंगे लेकिन फ्रंट से ये क्रीम कलर के लग रहे थे। एंड स्टिचिंग और फिटिंग का बहुत अच्छे से लाइक ध्यान रखा गया है। बाकी ये भी एक वायर्ड ब्रा है तो नीचे आपको वायर्ड मिल जाएंगे एंड बिल्कुल भी काटने एचिंग करने वाली नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड या आई लाइक इट। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस ग्रीन कलर ब्रा, दिस इज़ रियली नाइस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, इसमें बहुत हैवी पैडेड अप्लाई नहीं कर रखे हैं एंड बहुत लाइट रहती है एंड इस तरीके की ब्रा आप घर में भी पहन सकते हो, नॉर्मल भी पहन सकते हो। पूरे पर इस तरीके का लेस डाल रखा है साइड में नीचे से एंड बाकी जो फैब्रिक अप्लाई कर रखा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इस तरीके के फैब्रिक बिल्कुल भी पुराने नहीं होते, आप कितनी भी बार वॉश कर लो। नीचे जो नेट अप्लाई कर रखा है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड जो पैड्स है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट से पैड्स हैं एंड ऊपर जो फैब्रिक अप्लाई कर रखा है एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत चिकना जैसा फैब्रिक होता है ना कुछ उस तरीके से है एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। सो आई हैव दिस पिंक कलर ब्रा, एक्चुअली ये वायर्ड ब्रा है एंड आप देख सकते हो कितनी स्टाइलिश लग रही है। इसमें भी आपको कई कलर मिल जाएंगे, आई थिंक दो तीन कलर्स हैं। पूरे पर लेस का काम हो रखा है एज यू कैन सी एंड ये सच में बहुत ज़्यादा सेक्सी ब्रा है एंड आई रियली लव दिस। बाकी लाइक इसमें आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा एंड जो लेस है जो ऊपर जो नेट अप्लाई कर रखा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। वायर्ड ब्रा है तो इसलिए आपको ऐसे मिलेगी पीछे से एंड पैड्स अप्लाई कर रखे हैं, बहुत हैवी पैड नहीं है, लाइट भी नहीं है, मतलब मीडियम पैड है एंड नीचे आपको बहुत अच्छे से यू नो स्टिचिंग मिल जाएगी। बाकी नीचे एक यू नो एक पेस मिल जाता है जिससे आपको इचिंग या काटने वाली दिक्कत नहीं होती। सो नेक्स्ट आई हैव दिस मैरून कलर ब्रा, दिस इज़ ऑल्सो सेम फ्रॉम ब्लैक वन बट इसमें आपको लेस साइड में नहीं मिलेगा, इसमें आपको जो फैब्रिक मिलेगा वो बहुत चिकना वाला मिलेगा जो कि पुराना नहीं होता एज आई टोल्ड यू अबाउट प्रीवियस वन। एंड यहाँ पर भी लेस अप्लाई कर रखा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल लाइक इचिंग या काटने वाला नहीं है, एक्चुअली बहुत सॉफ्ट नेट अप्लाई कर रखा है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा गया है। बाकी ये भी बहुत सेक्सी सी ब्रा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें भी आपको आई थिंक दो तीन कलर्स मिल जाएंगे, पीछे एज यूजल पैड अप्लाई कर रखे हैं एंड ये भी एक वायर्ड ब्रा है एंड पैड्स एज यूजल बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, मीडियम पैड्स अप्लाई कर रखे हैं। सो या आई लाइक इट। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस टोक्यो टॉकीज टॉप, प्राइज इज़ अराउंड 240 और मैंने इसे लिया है मीडियम साइज़ में। इसमें भी आपको दो चार ही कलर्स मिल जाएंगे, इसमें लेवेंडर कलर भी अवेलेबल है एंड काफ़ी फ्लोरल्स है टॉप है एक्चुअली। ये पूरे पर आपको इस तरीके की लाइनिंग वाला फैब्रिक मिल रहा है एंड बहुत अच्छा स्ट्रेच है, अंदर लाइनिंग में एक इसी कलर का फैब्रिक अप्लाई कर रखा है। बाकी जैसे आप देख रहे हो इस तरीके की पहले बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह लाइक आती थी, अभी भी आती हैं जो कि काफ़ी फ्लोरल होती हैं, बहुत प्रिटी लगती हैं, उसी तरीके का ये टॉप है। जैसे कि मैंने नीचे ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ ये पैरअप कर रखा है क्योंकि सारे टॉप्स के साथ बहुत ही डिसेंट लग रहे थे और ये वाला टॉप भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई मैंने इसके साथ यही पैरअप किया। एंड ऊपर आपको इस तरीके की बिल्कुल यू नो धागे जैसी स्टेप्स मिल जाएंगी, मतलब उससे थोड़ी सी थिक में है लेकिन दो लेयर में आपको इस तरीके का लाइक फ्लोरल मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच दिया हुआ है एंड यू नो पहनने के बाद ना आफ्टर वेयरिंग ही इसका लुक आता है, तो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली वर्थ इट क्योंकि बहुत ही डिसेंट प्राइस में मिला है एंड इसमें आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, आई थिंक 3 to 5 कलर अवेलेबल हैं एंड मुझे इसके साथ पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, पहले मुझे लग रहा था कि नहीं लगेगा लेकिन आफ्टर वेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस टोकी टॉकीज टॉप, प्राइस इज़ अराउंड 240 और मैंने इसे लिया है स्मॉल साइज़ में। मैं साइज़ और प्राइस स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, अगर आपको कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पर मैं सही मेंशन करूंगी तो प्लीज़ स्क्रीन वाले ही काउंट करना। सो बेसिकली इट्स अ रिप टॉप एंड इसका स्ट्रेच बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आफ्टर वेयरिंग इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फिटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड नेक जो आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, पूरा ऊपर से राउंड नेक है, नीचे इस तरीके का कट दिया हुआ है, साइड में आपको इस तरीके से मिलेगा, पीछे कोई भी लाइक स्टिचिंग वगैरह नहीं है, जो भी है फ्रंट में दिया हुआ है इस तरीके का यू नो क्या बोलूँ मून कट टाइप में, तो
काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड स्ट्रेच एज आई टोल्ड यू बहुत बहुत अच्छा इसमें भी है। आपको वहाँ पर कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने ब्लैक कलर इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था एंड ब्लैक कलर यू नो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी हो जाता है, दैट्स वाई। बाकी फिटिंग मुझे बहुत परफेक्ट आई, साइज़ परफेक्ट है मेरे लिए। आपका जो साइज़ है एक्चुअल वही साइज़ पिक करना क्योंकि मुझे इसकी फिटिंग और ओवरऑल क्वालिटी बहुत सही लगी है एंड आई थिंक दिस वन इज़ रियली रियली वर्थ इट। अगर आप थोड़ा सा यू नो एक सिंपल टॉप भी चाहते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश भी, तो आई थिंक दिस वन इज़ रियली गुड। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस सिमिलर टॉप विथ पिंक वन एंड ये बिल्कुल सिमिलर सा है, बस इसे मैंने मीडियम साइज़ में लिया है। मीडियम में मेरे को परफेक्ट आया, थोड़ा सा लार्ज वाला थोड़ा सा मेरे को लूज़ था बट ये वाला मेरे को परफेक्ट आया। तो आप अगर स्मॉल साइज़ वेयर करते हो तो मीडियम साइज़ ही लेना, बाकी अगर थोड़ा आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप लार्ज पर भी जा सकते हो। बाकी सेम है, रिब जैसा फैब्रिक है इसका, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मिलेगा एंड आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है जैसा पिंक वन था। स्टेप्स आपको मिल जाएंगी बिल्कुल एंड ऊपर नेक भी आपको स्ट्रेट में मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर आप देख सकते हो कि वाइट कलर का है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं हो रहा, तो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दैट। बाकी इट्स लुक लाइक अ स्पैरिटी, लाइक आप जैकेट के साथ पैरअप कर सकते हो एंड नॉर्मल भी पहन सकते हो। सेम ब्लैक कलर और वाइट कलर की यू नो स्पैरिटी बहुत अप्रोप्रिएट हो जाती है और मैंने इसे जस्ट 100 रुपीज़ में लिया है, तो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली वर्थ इट। सो आई लाइक इट। सो या दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, आई डोंट नो वॉट टू डू, आई रियली डोंट नो बिकॉज सब्सक्राइबर्स इतने कम होते जा रहे हैं एंड वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं चल रही। आई डोंट नो कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या कॉन्टेंट लेकर आऊँ, मैं यही सोचती रहती हूँ बट समझ ही नहीं आता। बट आई थिंक जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। लव यू ऑल।